गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी की पुस्तक वितान का पार्ट 3 अतीत में दबे पांव, जिसमें लेखक मोहन जोदड़ो के बारे में बता रहे थे, वहाँ की गलियों के बारे में, वहाँ के घरों के बारे में। तो आगे लेखक कहते हैं, अनचाहे मुझे मोहन जोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सका। मतलब वहाँ जाकर लेखक को राजस्थान जैसी जो जगह वो लगने लगी, महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरफ थी, इसलिए लेखक कहते हैं कि वहाँ की कुछ चीजें ऐसी थी जो उसे राजस्थान से जोड़ देती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती, मोहन जोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। तो लेखक बता रहा है कि मुझे वहां जाकर जो कुलधरा जो गांव है उसकी भी याद आई कि वहां जैसा माहौल था, वहां जैसे घर थे, वो सब चीजें लेखक को यहाँ देखने को मिली। फिर आगे लेखक कहते हैं कि उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। अब लेखक उस गांव के बारे में बता रहे हैं जो जैसलमेर में है, कि वहां की याद जो लेखक को वहां मोहन जोदड़ो की याद में जोड़ रही है, कि उस गांव के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वहां घर है, लोग नहीं है, क्योंकि 150 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि वहां के राजा से लोगों की तकरार हो गई, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, जिससे क्या हुआ कि गांव का हर एक व्यक्ति रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, मतलब जो चीजें जो सामान था, जो दरवाजे थे वो पीछे जो भी लोग बाद में आए वो सब उठा ले गए। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं, मतलब गिरे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया, खंडरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। तो लेखक को जो मोहन जोदड़ो के जो खंडर, जो इमारतें थी, जो घर थे, जो बस्तियां थी, वहां जाकर भी लेखक को कुछ ऐसा ही एहसास हुआ कि जैसे लोग अभी घरों से निकले हैं और शायद शाम ढले लोग लौट आएंगे। मतलब वहां जाकर लेखक को एहसास हुआ कि यहाँ भी कभी लोग रहा करते थे। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली, कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। जॉन मार्शल ने मोहन जोदड़ो पर 3 खंडों का एक विषाद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का एक चित्र भी प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था जब मैं छोटा था। हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी से जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं, हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े में उसका भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा। तो लेखक ये अपने समय की बात भी बता रहे हैं, अपने गांव की, कि वहां पर भी जो आरे वाले जो भी ये पहिए हुआ करते थे, कि आज चाहे वहां पर भी ये सभ्यता बदल चुकी है। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहन जोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। तो लेखक अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि बाद में उन्हें जो मतलब वहाँ के दृश्यों के बारे में जो जानकारी जो उनका मेजबान दे रहा था, उसने बताया कि अभी आपने इसका अजायब घर देखा ही नहीं। खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज्यादा नहीं है, अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। मतलब वहां की जो अजायब घर बना हुआ था, जो मेन चीजें थी वो तो जो अन्य शहरों के अजायब घर थे वहां पहुंचा दी गई थी, कुछ चीजें बाकी थी। यूं अकेले मोहन जोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है।
काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप, तोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, दो पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गई। मतलब कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली थी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो बड़े शहरों के अजायब घरों में पहुँच गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ पर रखी गई थी। जैसे लेखक ने इस पिक्चर में भी बताया है कि जो भी ये मिट्टी की गाड़ी थी, या पहले भी लेखक ने दिखाया, जैसे ये है कि लेखक ने बताया था यहाँ काला पड़ गया है, जो तांबे के बर्तन हैं, जो मोहरे हैं, ये सारी चीज़ें लेखक ने इसमें दिखाई भी हैं। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शी चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। अब इसमें खास बात लेखक बता रहे हैं कि वहाँ अजायब घर में उन्होंने देखा कि उसमें औजार तो थे लेकिन हथियार नहीं थे। मोहन जोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। मतलब वहाँ पर हथियार वगैरह नहीं मिले तो इससे पता चलता है कि वहाँ किसी ताकत का बल नहीं चलता था। वहाँ अनुशासन जरूर हुआ करता था लेकिन कोई ताकत नहीं होती थी। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ ना रही हो मगर कोई अनुशासन जरूर था, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। कि वहाँ मतलब एक ऐसी नियोजित व्यवस्था की गई थी, सारी चीजों में हमें ये व्यवस्था देखने को मिली। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ी करती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर को नदारद होना। मतलब जो मोहन जोदड़ो की जो सभ्यता है वो उसे मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो दूसरी सभ्यताओं से अलग करती है कि वहां पर दिखावा नहीं था। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्म तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में ना भव्य राजप्रसाद मिले हैं ना मंदिर। मतलब ये है कि जो पहले की जो सभ्यता, जो पहले उनकी खोज की गई तो उसने बड़े बड़े उपासना स्थल, मतलब धार्मिक स्थल या राजमहल टाइप की कोई चीज़ें मिली, बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली, लेकिन मोहन जोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति में ऐसा कोई भी महल मंदिर नहीं मिले जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ कोई धर्म की या राज की इस तरह की कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं था। ना राजाओं महंतों की समाधियां, मतलब यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहन जोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। मतलब इन चीज़ों से वहाँ जैसे छोटे छोटे कमरे भी छोटे थे, बड़े घर थे, चाहे मतलब वहाँ पर जो नावें थी, जो बोट मतलब की मिस्र की नावों के जैसी होती हुई भी आकार में छोटी थी। वहाँ जो राजा के सिर पर जो मुकुट था वो भी आकार में छोटा था। मतलब इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि वहाँ दिखावा नहीं था। आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करवाने वाली संस्कृति। मोहन जोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। कि अरे जो मोहन जोदड़ो था उस समय का एक बड़ा शहर तो था ही, मतलब वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए वो एक विकसित शहर माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। मतलब वहाँ पर अगर कुछ अमीरी थी भी, वहाँ कुछ धन संपदा थी लेकिन उसका दिखावा नहीं था। दूसरी वजह यह भी है कि मोहन जोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं, उनकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। मतलब अभी और भी उनके बारे में जानकारी हासिल करना बाकी है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। मतलब ये जो इसमें कलाकारी ये दिखाई गई है तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर कला का महत्व था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास,
आभूषण और सबसे ऊपर सुखड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। मतलब उस सभ्यता का विकास बहुत ज्यादा हुआ था, वहां पर तकनीक तो थी ही, मतलब वो जो शहर था वो कला सिद्ध भी था। वहां की कला को देखते हुए एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। मतलब वहाँ किसी राजा का ऐसे ताकत काम नहीं करती थी, ना ही कोई धर्म की ताकत थी, वह समाज जो था अपने आप से नियोजित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घरों में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं, खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कशीदेकारी में काम आती होंगी, मतलब फूल जैसे दिया हुआ कपड़ों पर फूल या चित्र अंकित करने के लिए सुइयां काम में लाई जाती थी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहन जोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। मतलब उसको जो कपड़े वो पहनाए गए हैं उस पर एक अलग सी जो कला प्रदर्शित की गई है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिलते हैं, मतलब जो बड़ा सुआ होता है। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी, हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य यहाँ पर हासिल नहीं हुआ। मतलब उन सुओं के हिसाब से लगाया जाता है कि यहाँ दरियां सिली जाती थी, बुनी जाती थी, चाहे वहां पर कोई दरी का कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला, वह शायद कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहन जोदड़ों में अब खुदाई बंद कर दी गई। मतलब ये हो सकता है कि और भी बहुत सारी जो बातें हैं हमें उस सभ्यता के बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन मोहन जोदड़ों की जो आज अब जो है वो खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। वास्तव में वहां सिंधु नदी का पानी का रिसाव होने लग गया, जिससे वहां कीचड़ हो गया, मतलब दलदल हो गई, कि जिससे उसकी और खुदाई संभव नहीं है। मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है, कि अगर वहां और खुदाई की जाती है तो पानी उसमें रिस जाता है, जिसमें जो खंडर हमें देखने को आज मिल रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, तो उन्हीं को बचाकर रखना ही आज हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इस तरह से लेखक ने इसमें मोहन जोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा विकसित शहर माना गया है, एक हमारी प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, उसकी जानकारी हमें इस पाठ में दी है।